हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी बोंडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस वन लेसन नंबर 24 सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी पार्ट टू। द रेन ड्रॉप्स दैट फॉल ऑन द रोड बाउंस ऑफ एंड ब्रेक अप इंटू ड्रॉपलेट्स। दिस ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ tinier particles of water. They make us wet. It means that liquid are also made of small particles. मतलब देखो, जब पानी ज़मीन पर गिरता है तब उसके छींटे उड़ते हैं, और छींटों का अर्थ है पानी की अत्यंत छोटी छोटी बूंदें। बूंदे ये बूंदें भी पानी के सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित होती है, इसलिए हम थोड़ा सा भीग जाते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि द्रव पदार्थ भी सूक्ष्म कणों द्वारा बने हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेफ्थलीन इज कंटिन्यूअसली बीइंग कवर्ड into a small particles in the gaseous state. Such small particles from the balls settle on the cloths, so the cloths to smell of nepheline. As the particles leave the nepheline balls, the ball grow smaller in size and slowly disappear. मतलब देखो, नेफ्लिन की गोलियों का निरंतर गैसीय अवस्था वाले सूक्ष्म कणों से कणों में रूपांतरण होता रहता है, और कपड़ों में रखी गई गोलियों के छोटे छोटे कण कपड़ों के धागों पर जमा हो जाते हैं, इसलिए कपड़ों में नेफ्लिन मतलब डामर, ओके डामर बोलते हैं आप, डामर की गंध आती है। कुछ दिनों में ये गोलियाँ छोटी होते होते समाप्त हो जाती है। और रंगोली के कणों का आकार आटे जैसा महीन होता है। रंगोली के कण छोटी बजरी के स्वरूप में भी हमें होते हैं। देखो, पार्टिकल्स ऑफ रंगोली आर फाइन लाइक अ फ्लोर। रंगोली कलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर। मतलब थोड़ा सोचना है। सपोज यू डू नॉट हैव रंगोली पाउडर, व्हाट थिंग्स कैन यू यूज एंड अल्टरनेटिव। मतलब तुम्हारे पास रंगोली बनाने के लिए रंग नहीं है, ऐसी परिस्थिति में तुम कौन कौन से पदार्थ लेकर रंगोली बनाओगे। ओके, देन द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब पदार्थों की अवस्थाएं। वाटर इज फाउंड इन नेचर इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। इन ऑल द थ्री स्टेट्स इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ वाटर रिमेन द सेम। हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन ईच ऑफ द स्टेट इज डिफरेंट। मतलब प्रकृति में पाया जाने वाला पानी ठोस, द्रव तथा गैस इन तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। अवस्था बदलने पर भी इन तीनों अवस्थाओं में पानी का प्रत्येक कण एक समान होता है, परंतु ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं में इन कणों की रचना अलग होती है, इसलिए बर्फ, पानी और बाष्प के गुणधर्मों में अंतर दिखाई देता है। एज अ रिजल्ट वी सी डिफरेंसेस इन द पार्टिकल सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। Properties of solids, liquid and gases. All substances in nature have a particulate form, that is they are made up of particles. In nature every substance occurs in a specific state. Accordingly that substance is called a solid, liquid or gas. For example, aluminium and coal are solids, kerosene and petrol are liquids, while nitrogen and oxygen are gases. देखो, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ कण स्वरूप में होते हैं, और सामान्यतः प्रत्येक पदार्थ किसी एक निश्चित अवस्था में ही होता है, और उसी के आधार पर उस पदार्थ को ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह एल्यूमिनियम या कोयला ठोस है, मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल द्रव है, और जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है।
डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सब्सटेंसेस मे डिफर विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, कलर, स्मेल, सोल्युबिलिटी इन वाटर एक्सेट्रा. मतलब अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के गुणधर्म होते हैं. और पदार्थों में कठोरता, रंग, पारदर्शिता, गंध, स्वाद तथा घुलनशीलता इत्यादि विभिन्न गुणधर्म होते हैं. नेक्स्ट है सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब पदार्थ और वस्तुएं. कैन यू टेल अस्मिता वेंट टू बाय अ अर्थन पॉट डेयर द देयर शी सॉ मेनी थिंग्स केप्ट फॉर सेल. हाउ डिड शी आइडेंटिफाई वॉट शी नीडेड फ्रॉम. देखो अस्मिता मिट्टी का घड़ा खरीदने के लिए गई है थी और वहाँ उसने बेचने के लिए रखी गई अनेक वस्तुएं देखी. इन सभी वस्तुओं में से उसे जैसा घड़ा चाहिए था वैसा घड़ा उसने किस आधार पर पहचाना. और फ्रॉम व्हाट सब्सटेंसेस हैड द पॉटर मेड ऑल द थिंग्स, मतलब ये सभी वस्तुएं कुमार ने किन पदार्थों से तैयार की है. और नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन अ सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट, मतलब पदार्थ और वस्तु इन दोनों में कौन सा अंतर हमें ध्यान में आता है. ऑब्जेक्ट्स हैव अ डिफिनाइट शेप. देयर पार्ट्स आर पुट टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वे. ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम सब्सटेंसेस, मतलब वस्तु का एक निश्चित आकार या आमाप है होता है और उनके विभिन्न भागों की एक विशिष्ट रचना होती है और वस्तुएं पदार्थों द्वारा बनी होती है. नेक्स्ट लुक एट द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर अबव. व्हाट सब्सटेंसेस आर दे ऑल मेड फ्रॉम, मतलब ऊपर दिए गए चित्र में दिखाई गई वस्तुएं किस पदार्थ से बनी हुई है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है. देन नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी, मतलब ऊर्जा. ओके कैन यू टेल वी मेक यूजफुल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ वराइटी ऑफ सब्सटेंसेस. अनदर यूज ऑफ सब्सटेंसेस इज दैट वी गेट एनर्जी फ्रॉम सम ऑफ देम. हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं और पदार्थ का एक महत्वपूर्ण उपयोग है यह है कि इससे ऊर्जा प्राप्त होती है. देयर इज अ कार, इट्स टैंक इज फुल ऑफ फ्यूल बट इट डज नॉट मूव. Why is that? कोई वाहन अगर खड़ा है तो उसकी टंकी में ईंधन भरा है परंतु वह आगे चल नहीं सकता, ऐसा क्यों? When we have run a long distance, we feel tired, we have to stop. Why is that? मतलब हम बहुत दूर तक दौड़े तो थके, हम बहुत देर तक अगर दौड़े तो हमें थकान होती है और हमें रुकना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क. द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. देखो कि काम का अर्थ क्या है, कार्य. काम का अर्थ है कार्य और कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं. व्हेन पेट्रोल और डीजल बर्न्स इन अ मोटर वहीकल एनर्जी गेट्स रिलीज. व्हेन द पेट्रोल इज फिनिश्ड और इफ इट स्टॉप्स बर्निंग द व्हीकल्स टू स्टॉप रनिंग. व्हेन समथिंग बर्न्स एनर्जी गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट. यू हैव लर्न दैट इन अवर बॉडी टू एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस. मतलब मोटर वाहनों में पेट्रोल, डीजल अथवा गैस के ज्वलन से कार्य करने की क्षमता अर्थात ऊर्जा का निर्माण होती है और ईंधन समाप्त होने पर अथवा उनका ज्वलन बंद होने पर वाहक भी रुक जाता है और ज्वलन की ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर के अंदर भी कुछ पदार्थों के ज्वलन से ऊर्जा का निर्माण होता है और यह तुम पहले सीख चुके हो. ओके आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.